हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरतासर और आप देख रहे हैं सरतासर की क्लास। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओपन और रेगुलर कॉलेजेस के बीच क्या फर्क होता है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर ओपन और रेगुलर में क्या फर्क है, चाहे वो डिग्री को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, क्लासेस को लेकर हो, लाइफस्टाइल को लेकर हो। तो आज इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ओपन और रेगुलर कॉलेजेस में फर्क। जैसे ही 12वीं का रिजल्ट आ जाता है, बच्चों में भागदौड़ी शुरू हो जाती है कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहली चॉइस होती है रेगुलर कॉलेज। हर कोई सबसे पहले रेगुलर कॉलेजेस की तरफ ही जाता है और उसी में एडमिशन लेना चाहता है। आप एक फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन और फिर बैठकर तसल्ली से इंतजार करते हैं कट ऑफ का। अगर कट ऑफ आ जाती है आपके मार्क्स के अनुसार तो आपको आपके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अगर कट ऑफ के अनुसार आपके मार्क्स नहीं होते हैं तो आपको मिलता है एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन जिसमें शायद आपका दिल ना हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स बिल्कुल ही कम होते हैं और आपको किसी भी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, तब फिर आपके सामने एक ही चॉइस होती है और वो है ओपन कॉलेज। ओपन कॉलेज में भी हमारे सामने तीन ऑप्शंस होते हैं, जामिया, इग्नू और SOLDO। इसके अलावा NCWEB भी होता है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है जैसा कि SOLDO है। तो हम इसे तीन ही कॉलेज बुला रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जामिया की। जामिया के एडमिशन मार्च और अप्रैल में शुरू हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 12वीं का रिजल्ट जब आ जाता है तभी इसके एडमिशन शुरू हो जाते हैं ओपन के, और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जब इसमें बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं या फिर टाइम निकल जाता है, तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन होते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है वो है इग्नू का। इग्नू के जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं वो आपके जुलाई से शुरू हो जाते हैं, जुलाई सेशन होता है इसका, और ऑलमोस्ट अगस्त तक ये चलते रहते हैं। और जब जामिया और इग्नू के एडमिशन खत्म होते हैं तब हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है SOL का, यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का। और SOL में हमें कितने भी हमारे 12th में मार्क्स आए हों, बस पास चाहिए, हमारा एडमिशन हो जाता है। BA, BCom, BA Honors, इसके अलावा एक दो कोर्स जो हैं अवेलेबल हैं SOL में। इग्नू में भी काफ़ी कोर्सेज हैं और जामिया में भी काफ़ी कोर्सेज हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या फ़र्क है ओपन और रेगुलर कॉलेजेस के बीच। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स में, चाहे वो BA हो, BCom हो या BA Honors हो, जो कोर्स चल रहा है बिल्कुल वही कोर्स SOL में भी चलता है। तो कोर्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन एक दो पॉइंट्स कहीं ना कहीं SOL में छुड़वा दिए जाते हैं और आपके रेगुलर कॉलेजेस में ये जो पॉइंट्स होते हैं वो चलते हैं। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 90% जो कोर्स होता है वो रेगुलर वालों का और ओपन SOL वालों का बिल्कुल सेम होता है। जामिया और अगर इग्नू की बात करें तो इनका तो कोर्स बिल्कुल ही अलग है। ये कंपेरिजन SOL ओपन और रेगुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच है। अब बात करते हैं स्टडी की। जैसा कि हम जानते हैं रेगुलर कॉलेजेस में डेली क्लासेस होती हैं और इसमें दो सेशन होते हैं, एक इवनिंग शिफ्ट होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है। आप अपने मनचाहे कॉलेज में अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन SOL में स्टडी के मामले में वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है। SOL में क्लासेस सिर्फ संडे को होती हैं। हालांकि जो टीचर्स रेगुलर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं वही टीचर्स हायर किए जाते हैं और संडे वाले दिन वही टीचर्स आपको मिलते हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है लेकिन डेज कम मिलते हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं सिलेबस ओपन कट टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता है। रेगुलर कॉलेजेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे असाइनमेंट्स बनवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, अटेंडेंस के भी मार्क्स मिलते हैं। तो इस वजह से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज एक्टिविटी की वजह से बन जाती है। लेकिन SOL में यानी ओपन कॉलेज में ऐसी कोई एक्टिविटी तो अभी तक अवेलेबल नहीं है। भविष्य में हम आशा करते हैं कि ऐसी एक्टिविटी होगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उतनी परसेंटेज नहीं बन पाती है और हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ जाता है SOL में। रेगुलर कॉलेजेस में कई तरह के इवेंट होते हैं, जैसे फेयरवेल पार्टीज, इसके अलावा सेलिब्रिटीज भी आती हैं, इसके अलावा इलेक्शंस यानी चुनाव भी होते हैं, लेकिन SOL में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। आपको ना तो कोई फेयरवेल पार्टी के लिए किसी तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, कोई सेलिब्रिटी भी मुश्किल से ही SOL के स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करते हैं या कोई इवेंट उनके बीच रखते हैं, इसके अलावा किसी और तरीके की पार्टी का अरेंजमेंट नहीं होता है। शायद इसलिए क्योंकि स्टडी के लिए टाइम बहुत कम बचता है और वो टाइम जो हम इवेंट में वेस्ट करने जा रहे थे या इन्वेस्ट कहें करने जा रहे थे, तो उस टाइम को अगर स्टडी में लगा दिया जाए तो बेहतर होता है। तो इस वजह से SOL जो डिपार्टमेंट होता है, जो ओपन डिपार्टमेंट होता है, वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देता है कि अगर कोई इवेंट रखा जाए तो इससे अच्छा तो उसको क्लास दे दी जाए। तो रेगुलर कॉलेज में क्लासेस के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, इसलिए अलग से इवेंट हो जाते हैं, लेकिन ओपन कॉलेजेस में इवेंट नहीं हो पाते हैं।
अगर हम बात करें मैच्योरिटी की तो रेगुलर कॉलेजेस के बच्चे ज्यादा मैच्योर होते हैं क्योंकि उनके अंदर कई एक्टिविटी होती हैं, जैसे गिटार बजाना, सिंगिंग करना, एक्टिंग करना। इसके अलावा क्योंकि वो रोज डेली घर से बाहर निकलते हैं, मेट्रो स्टेशंस पर जाना, बस स्टॉप्स पर जाना, कॉलेज पहुंचना, कैंटीन में मस्ती करना, क्लास बंक्स भी होती हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी मैच्योरिटी आ जाती है जो कि बोलने में उनके दिखाई देती है। झिझक नहीं होती, डर नहीं होता, और अगर वो कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो फ्यूचर में वो इंटरव्यू में भी कामयाब हो सकते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो मैच्योर हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओपन कॉलेजेस की, तो ओपन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इतना मैच्योर नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं दिल में डर होता है, दूसरे से बात करने की क्षमता नहीं होती है, और अगर इंटरव्यू में उन्हें बैठा लिया जाए तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ओपन से पढ़ाई की और वो सही सही जवाब दे पाए उस इंटरव्यू के। तो मैच्योरिटी के मामले में रेगुलर कॉलेज ज्यादा बेटर होता है, आपको ज्यादा मैच्योर बना देता है। कहाँ मिलते हैं अच्छे मार्क्स? जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं रेगुलर कॉलेजेस में, असाइनमेंट्स, फाइल्स, प्रोजेक्ट्स, अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत कम पढ़ने वाला बच्चा भी अच्छे खासे मार्क्स ले आता है रेगुलर कॉलेजेस में। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके आप ओपन कॉलेजेस में उतने मार्क्स अचीव नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर आपको मार्क्स नहीं देते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क पूरा फोकस जो है 100 नंबर के पेपर पर करना पड़ता है, कोई साइड में एक्टिविटी नहीं होती है, तो इस वजह से परसेंटेज कहीं ना कहीं कम रह जाती है। लेकिन अगर इसी में बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए रेगुलर कॉलेजेस के मुकाबले, तो अच्छे परसेंटेज लाई जा सकती है एस वेल। बहुत सारे बच्चों का मानना है कि रेगुलर कॉलेजेस वाले बच्चों को जॉब आसानी से मिल जाती है और ओपन वालों को जॉब नहीं मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो ये गलतफहमी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता देता हूँ। पहली बात तो ये, दोनों ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो एसएल हो चाहे वो रेगुलर हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, पूरी मान्यता होती है, दिल आराम से तसल्ली से आप कहीं से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कंपनीज पे, आखिर ऐसा है क्या रेगुलर वाले जिसको जॉब जल्दी मिल जाती है? हाँ ऐसा है, लेकिन वजह कुछ और है। वजह यह है, जो कंपनी होती है वो मैच्योर पर्सन देखती है और उसे लगता है कि रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे में ज़्यादा मैच्योरिटी है, वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है जॉब को ओपन वाले के मुकाबले, क्योंकि ओपन वाले स्टूडेंट ने अपने हिसाब से रेगुलर वाले के मुकाबले कम पढ़ाई की होगी, तो उसे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छा इंटरव्यू देते हैं और आप अपनी एबिलिटी इंटरव्यू में साबित कर देते हैं, तो फिर आपको जॉब का कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री को लेकर तो कभी कोई इश्यू आता ही नहीं है। इश्यू सिर्फ इतना आता है कि मैच्योरिटी के मामले में अगर आप परफेक्ट हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। बात करते हैं एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स रेगुलर कॉलेजेस में सेमेस्टर वाइज होते हैं, जो साल में 2 से 3 बार भी हो सकते हैं, लेकिन ओपन कॉलेजेस में साल में सिर्फ 1 बार पेपर होते हैं और वो होते हैं जून जुलाई महीने में। रिजल्ट ओपन वालों का अगस्त में आ जाता है ऑलमोस्ट सबका, लेकिन ओपन वालों का जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा देरी से आता है, अक्टूबर महीने से रिजल्ट आना शुरू होता है, फाइनल, सेकंड, फर्स्ट ईयर ऐसे करके, और ऑलमोस्ट नवंबर के लास्ट तक सारा रिजल्ट आ जाता है। अब बात करते हैं फीस की, तो फीस के मामले में रेगुलर कॉलेज महंगे होते हैं। हर सेमेस्टर पे फीस जमा होती है जो कि 10,000-15,000 भी हो सकती है, लेकिन ओपन कॉलेज में आपको सेमेस्टर वाइज नहीं बल्कि साल में सिर्फ 1 बार फीस जमा करनी है, जो कि ऑलमोस्ट 3,300 से 3,400 रुपये प्रोग्राम के कोर्सेज के लिए होती है और इतनी ही दूसरे कोर्सेज के लिए भी होती है। अब अंत में ले लेते हैं मेरी राय, मैं क्या मानता हूँ, ओपन या एसएल कौन सा बेस्ट है? देखिए, कॉलेजेस तो दोनों ही अच्छे हैं, शिक्षा दोनों जगह प्राप्त होती है, चाहे वो ओपन हो चाहे वो रेगुलर हो, लेकिन मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो प्रोफेशनल है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट हो गया, लैंग्वेज कोर्स हो गया, जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस मामले में रेगुलर कॉलेज करना बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई साइड कोर्स करना चाहते हैं प्राइवेट से और ग्रेजुएशन भी साथ करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे में रेगुलर कॉलेजेस में मेरे हिसाब से एडमिशन लेना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए एसओएल बहुत अच्छा है, क्योंकि एसओएल में आप एडमिशन लेने के बाद ऑलमोस्ट 3 साल तक फ्री हो जाते हैं, संडे को आपको क्लास लेनी है, साल में 4 बार आपको पेपर देने जाना है, 4 दिन आपको पेपर देने जाना है एक साल में, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए, फिर चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई कोर्स हो या फिर कुछ और। तो अगर आप कर रहे हैं कोई प्रोफेशनल कोर्स तो रेगुलर बेटर है, लेकिन अगर आप वही बीए बीकॉम वगैरह करना चाहते हैं, कोई नॉर्मली कोर्स करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर एसएल बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया ओपन और रेगुलर के बीच कंपेयर। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो इस वीडियो के कॉमेंट में आप मुझे जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you.